आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं Oppo A59 5G। भाई साहब इसकी डिजाइनिंग ना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, पर दोस्तों क्या आपको पता है जितनी अच्छी इसकी डिजाइनिंग है उससे कई गुना ज्यादा इसके अंदर आपको हिडन फीचर्स मिलते हैं जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपने स्मार्टफोन खरीदा या फिर खरीदने की सोच भी रहे हो ना तो यार ये वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा काम आ सकती है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ही चीज बोलोगे कि यार हमने तो सोचा था इस स्मार्टफोन के अंदर कुछ भी नहीं है, पर इतना ज्यादा कुछ सेटिंग्स मिलती है जो कि आपके स्मार्टफोन को काफी ज्यादा अच्छा बना देगी। तो चलिए सबसे पहला फीचर आपको बताता हूँ, जैसे कि हमें जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे ही हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन। अब यहाँ पर जैसे कि वॉलपेपर, थीम्स वगैरह तो बहुत सारी मिल जाती है, फॉन्ट का साइज मिल जाता है, यहाँ पे बड़ी छोटी कर सकते हो या फिर चेंज भी कर सकते हो फॉन्ट को यहाँ पे, ये देखिए। अब यहाँ पे हम जैसे ही बैक जाएंगे यहाँ पे आइकन्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी यहाँ पे आइकन है देखिए, अभी फेसबुक वगैरह ये देखिए, फोटोज वगैरह कुछ इस तरह से है, तो आप इनको देखिए ऐसे कर सकते हो, देखिए पूरा चेंज हो चुका है। पेबल के अंदर कर सकते हो या फिर दोस्तों आप अपनी मर्जी से और भी चेंज करना चाहो तो यहाँ पे कस्टम के ऊपर जाकर ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे इनकी साइज को बड़ा छोटा करना चाहते हो, देखिए मैं साइज को यहाँ पे बड़ी कर लेता हूँ, छोटी कर लेता हूँ, अपनी मर्जी से जो भी करना चाहो कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए ऐप का नेम शो हो रहा है, तो आप चाहते हो मुझे ऐप का नेम हाइड करना है तो यहाँ पे ऐप का नेम हाइड भी कर सकते हो। देखिए फिर इनकी शक्ल देख के आपको यहाँ पे पहचानना पड़ेगा। और जो ऐप का नाम है इसको भी आप बड़ा छोटा करना चाहते हो, देखिए बड़ा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, इसको भी अपनी मर्जी से आप कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ से जैसे ही बैक जाएंगे यहाँ पे कलर्स का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये ब्लू कलर के अंदर शो हो रहे होंगे, हमने जो भी ऑन किया वो ब्लू कलर के अंदर है। तो आप चाहते हो यार मुझे ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं ग्रीन कर लेता हूँ या फिर ये देखिए ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही नीचे करोगे आपका कलर कुछ इस तरह का हो चुका है, तो आप अपने मतलब मर्जी से कर सकते हो, अपने कपड़ों के हिसाब से कलर को भी चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपका फेवरेट है वो यहाँ पे कर लीजिए। और यहाँ से जैसे ही बैक जाओगे यहाँ पे क्विक सेटिंग्स का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखिए अभी जितने भी देखोगे यहाँ पे गोल गोल है, तो आप चाहते हो यार मुझे राउंडेड शेप के अंदर नहीं, मुझे ऐसे चाहिए या फिर ये देखिए ऐसे हो चुके हैं, या फिर आप चाहते हो मुझे ये वाला करना है, ये वाला करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि यार मुझे ना एक साथ में दो एप्स को चलाना है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर YouTube ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर YouTube तो चल ही रहा है, आप चाहते हो मुझे दूसरा ऐप भी ऐसे चलाना है तो आपको थ्री फिंगर से इसे ऊपर लेके जाना है। और यहाँ पर जैसे कि मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए YouTube भी चल रहा है आपका, और यहाँ पे नीचे आप क्रोम को भी चला सकते हो, और यहाँ पे एक साथ में दो ऐप को आसानी से चला सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि यूट्यूब को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और क्रोम को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, या फिर यूट्यूब को पूरा बड़ा करना है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से करोगे पूरा यूट्यूब ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप एक साथ में दो एप्स को आसानी से चला पाओगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि यार मुझे कुछ भी फोटोज वीडियोस वगैरह छिपाने, किसी ऐप के लॉक लगाना है या फिर किसी ऐप को हाइड करना है, तो आपको बाहर से कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे यहाँ पे प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में जाना है, यहाँ पे ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर किसी भी ऐप के लॉक लगाना चाहते हो लॉक लगा सकते हो, पहले यहाँ पे इसको ऑन कर लेना और यहाँ पर जो भी आपको सही लगे वो लॉक लगा लेना, फिर आप किसी भी ऐप के लॉक वगैरह लगाना चाहोगे लगा सकते हो। जैसे यहाँ से बैक जाओगे यहाँ पे हाइड एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर किसी भी ऐप को हाइड करना चाहते हो वो हाइड कर सकते हो। और फिर उस हिडन ऐप को देखना है तो यहाँ पे आपके डायलर के अंदर #0 और #H लिखोगे तो आपने जो ऐप हाइड किए हैं वो शो हो जाएंगे। यहाँ से जैसे बैक जाएंगे यहाँ पे आपको प्राइवेट शेप का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये देखिए सेट पासवर्ड कर लेने हैं, लोग थोड़ा मजबूत लगा लेना, फिर दोस्तों आप चाहे कोई भी फोटोज वीडियोस वगैरह छिपाना चाहोगे आसानी से छिपा पाओगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही कमाल का फीचर बताता हूँ, जैसे कि आप YouTube वगैरह पे कोई भी वीडियोस वगैरह देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप चाहते हो कि यार वीडियो चलती रहे और बैकग्राउंड के अंदर हमारा जो म्यूजिक है वो बजता रहना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए आपका म्यूजिक बज रहा है, मैं इसकी वॉल्यूम को बढ़ा देता हूँ, देखिए अब यहाँ पे बैकग्राउंड कर देते हैं। अभी देखिए हम बाहर आ चुके हैं और आपका म्यूजिक अभी भी बज रहा है, तो यहाँ पे इसको बंद कर देंगे फिर भी हमारा म्यूजिक जो है वो बजता रहेगा। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, ये आपको YouTube प्रीमियम के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि हमें पैसे देकर इसको खरीदना पड़ता है, पर आपके Oppo के अंदर ये बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो ये अगर आपके मोबाइल के अंदर नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद ये देखिए स्पेशल फीचर का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको स्मार्ट साइड बार के ऊपर जाना है और इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद दोस्तों आप भी इसका फायदा उठा सकते हो। और यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि स्क्रीन शॉट ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर अपने मन पसंदीदा ऐप को यहाँ पे रखना चाहो तो यहाँ पे ऑल एप्स के ऊपर जाकर यहाँ पे एप्स को रख भी सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि यार मुझे भी जैसे कि मैं यहाँ पे डबल टैप करूंगी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, डबल टैप करते स्क्रीन ऑन हो जाती है, तो आपके मोबाइल के अंदर ये सब कुछ कैसे होगा, तो इसके लिए आपको मतलब स्क्रीन के ऊपर से टैप करके रखना है और यहाँ पे मोर के ऊपर जाना है, और यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा डबल टैप टू लॉक, इसको ऑन कर लीजिए, रेस्ट टू एक इसको ऑन कर लीजिए और डबल टैप, इनका तो मतलब ऑन करके आप डबल टैप यहाँ पे करोगे ऑन ऑफ हो जाएगा।
रेस्ट हुए का क्या मतलब है, जैसे कि आपका मोबाइल ऐसे बंद पड़ा है, ठीक है, आप जैसे ही मोबाइल को उठाओगे और आपकी जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगी, ना तो हमने डबल टैप किया ना ही हमने पावर बटन को प्रेस किया है, बस मोबाइल को उठाना है और जो हमारी स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि यार मुझे इंटरनेट की स्पीड शो होनी चाहिए, बैटरी के परसेंटेज शो होने चाहिए, फिर जो बैटरी का लोगो है इसको आप चेंज करना चाहते हो, या फिर दोस्तों एक बहुत ही कमाल की चीज बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपके कोई नोटिफिकेशन आए हुए, ठीक है, आप उनको क्लियर कर देते हो तो वो क्लियर हो जाते हैं, बाद में आपको याद आता है यार पता नहीं मैंने क्या जरूरी चीज थी जो कि क्लियर कर दी है, तो आपके मोबाइल के अंदर पूरी की पूरी हिस्ट्री सेव रहती है, बस उसके लिए एक सेटिंग को ऑन करना रहता है। इसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, जैसे ही हम सेटिंग्स के अंदर आएंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का ऑप्शन मिल जाएगा। अब सबसे पहले स्टेटस बार के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखिए बैटरी का जो स्टाइल है इसको भी हम चेंज कर पाएंगे, देखिए कुछ इस तरह से कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए, काफी अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है वो इनमें से कर सकते हो, और यहाँ पे जो बैटरी के परसेंटेज है इनको ऑन कर लीजिए, या फिर आप ये वाला करते हो तो बैटरी के परसेंटेज आपको बाहर दिखाने अंदर दिखाने तो वो भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, और यहाँ पे मिल जाएगा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन कर लीजिए, इससे क्या होगा आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो शो होने लग जाएगी कि कितनी एमबी पर सेकेंड हमारा जो इंटरनेट है वो चल रहा है, और यहाँ से जैसे ही बैक जाएंगे हम तो यहाँ पर मोर सेटिंग्स के अंदर जाना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आया हुआ रहेगा और आप उसको क्लियर कर दोगे तो पूरी की पूरी हिस्ट्री आपके पास यहाँ पे मौजूद हो जाएगी। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यार आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास देखिए नीचे बटन शो नहीं हो रहे हैं, हम यहाँ पे ऐसे करते हैं तो बैक वगैरह हो जाता है, तो आप यहाँ पे मतलब आपके बटन है तो आप मेरी तरह करना चाहते हैं या फिर आपके मेरी तरह है तो आप बटन्स को करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जाकर बटन्स कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए नीचे बटन्स आ चुके हैं, अगर आपके बटन्स है तो गेस्चर्स कर लीजिए, आपके यहाँ पे गेस्चर्स वाला हो जाएगा, और यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड ज्यादा यूज में लेते हो तो ये जो बैक बटन वाला है अभी राइट हैंड के अंदर है तो इसको लेफ्ट हैंड के अंदर भी लेके जा सकते हो, तो यहाँ पे इनको भी इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ से ऐसे करते हो तो यहाँ पे ऐप वगैरह सर्च का ऑप्शन आता है, आप किसी ऐप को सर्च कर सकते हो, पर क्यों ना ऐसा हो कि आप चाहो कि यहाँ पे ऐसे करूं तो नोटिफिकेशन बार आ जाना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ से करता हूँ तब नोटिफिकेशन बार आता है, ठीक है, तो आप यहाँ से करोगे तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाएगा, तो ये सब कुछ कैसे होगा इसके लिए हमें स्क्रीन के ऊपर से टैप करके रखना है और यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए स्वाइप डाउन के ऊपर प्रेस करके नोटिफिकेशन ड्रॉर कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए ऐसे करोगे तो आपका नोटिफिकेशन बार आ जाएगा, यहाँ से करो कहीं से भी करो नोटिफिकेशन बार आ जाएगा, अब आपको ऊपर से ऐसे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से करोगे तो भी आपका नोटिफिकेशन बार आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि यार मुझे ना एक ही मोबाइल के अंदर दो अलग अलग ऐप चलाने, जैसे कि दो व्हाट्सएप दो फेसबुक वगैरह चलाने, तो कैसे चला सकते हो, इसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे एप्स के अंदर जाना है, एप क्लोनर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी मेरे मोबाइल के अंदर फेसबुक और स्नैपचैट है तो मैं यहाँ पे स्नैपचैट को दो करके दिखाता हूँ, देखिए अब यहाँ पे ये दो हो चुके हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो स्नैपचैट एक ये रहा और एक ये रहा, इनको आप अलग अलग नंबर से चलाना चाहो तो भी चला सकते हो। दोस्तों आपको पता होगा इस स्मार्टफोन के अंदर ना यार फालतू के एप्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स, और इनको डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर प्रेस करना है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर जाना है और यहाँ पे एग्री कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स, इसको बंद कर दीजिए और यहाँ पे जो आपके एप्स थे वो हट जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये इतने अच्छे नहीं लगते मोबाइल के अंदर, तो आप इनको यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही तगड़ा फीचर बताता हूँ, जैसे कि आपका दोस्त या फिर आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हो यहाँ पे यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखने के लिए पढ़ाई करने के लिए, पर आपको शक है कि यार ये यूट्यूब का बोलकर कोई दूसरी चीजें ना छेड़ ले, या फिर आपका दोस्त आपसे मोबाइल मांगता है कि भाई मुझे कॉल करनी है पर कॉल का बोलकर कोई दूसरा ऐप ना छेड़ने लग जाए, कोई आपकी पर्सनल चीजें ना देखने लग जाए, तो जब भी वो कोई दूसरी ऐसी चीज देखने की ट्राई करेगा तो आपको पता चल जाएगा। इसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन। अब यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट लॉक वगैरह फेस लॉक वगैरह तो लगा ही सकते हो, आपको जाना होगा सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर और यहाँ पे ऐप पिनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको ऑन कर दीजिए। अब इसको ऑन करने के बाद अगर आपने मोबाइल के लॉक लगा रखा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप लॉक लगा भी सकते हो, यहाँ पे जो भी लॉक लगाना है वो यहाँ पे लॉक लगा भी सकते हो, तो वो लॉक लगा लीजिए। फिर दोस्तों क्या होगा, जैसे किसी ने कॉल के लिए मांगा है तो आपको रिसेंट एप्स पे जाना है, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, इसको पिन कर देना है। अब ये पिन हो चुका है, अब आपका दोस्त इसको जितना चलाना चाहेगा चला सकता है, पर बैक जाना चाहेगा नहीं जा पाएगा, किसी भी बटन को प्रेस कर लेगा बैक नहीं जा पाएगा। अब बैक जाने के लिए क्या करना होगा, बैक बटन और जो रिसेंट एप्स बटन है इन दोनों को इसे साथ में प्रेस करना है, तब आपका ऐप अनपिन हो जाएगा और आप बाहर जा सकते हो। और अगर आपने मोबाइल के लॉक लगा रखा है तो जब तक आप लॉक नहीं खोलोगे तब तक अगला वाला बाहर नहीं जा पाएगा, और वो जब भी आपसे लॉक खुलवाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। तो चलिए मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट से रिलेटेड भी बता देता हूँ, जैसे कि हम पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को साथ में प्रेस करते हैं तो स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं, पर यहाँ पे एक दो तरीके और बताता हूँ, जैसे कि हम थ्री फिंगर से ऐसे करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ पे स्क्रॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आपको अगर एक लंबा स्क्रीनशॉट लेना है
तो आप ये लंबा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एक ही फोटो के अंदर, यानी कि आपको अलग अलग फोटो लेने की जरूरत नहीं है, एक फोटो के अंदर आप इतना लंबा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक तरीका यहाँ पे ये बताता हूँ, जैसे कि यहाँ थ्री फिंगर्स ऐसे प्रेस करके रखना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको मतलब जितना भी स्क्रीनशॉट लेना है जिस भी शेप के अंदर लेना है वो यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि मुझे इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, आप जितना भी स्क्रीनशॉट लेना है इसके अंदर कुछ लिखना है वो भी लिख भी सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपको मोबाइल को बंद करना है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे प्रेस करके रखते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है। देखिए यहाँ पे इसको प्रेस करके रखते हो तो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो ये बोल रहा है कि भाई इन दोनों को साथ में प्रेस करोगे तब बंद का ऑप्शन आएगा। पर आप चाहते हो कि यार मुझे पुराने तरीके की तरह यहाँ पे आना चाहिए कि पावर बटन को प्रेस करके रखूं और बंद का ऑप्शन आ जाना चाहिए, तो इसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाना है और पावर बटन के ऊपर प्रेस करना है, और यहाँ पे इसके ऊपर प्रेस करके पावर मेन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको प्रेस करके रखूंगा तो यहाँ पे बंद या फिर रिस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि यार मुझे ना पता होना चाहिए कि पूरे दिन में मोबाइल को कितने घंटे तक यूज करता हूँ, क्या क्या यूज करता हूँ, कौन कौन से ऐप को ज्यादा यूज करता हूँ, तो पूरी की पूरी डिटेल हमारे पास रहती है। तो इसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, सबसे नीचे जाना है, डिजिटल वेलबिंग के ऊपर जाना है। अब यहाँ पर देखोगे मैंने 57 मिनट के लिए मोबाइल को यूज किया, 13 बार इसका लॉक खुला है, 5 नोटिफिकेशन आए हैं, और यहाँ पे जैसे इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक दिन ये नहीं पूरे एक महीने की डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आप अपने मोबाइल के अंदर जाकर जरूर देखिए कि आप अपना जो कीमती समय है वो कौन से ऐप के अंदर ज्यादा बिता रहे हो। तो यार दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो चुकी है इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। अगर ये हिडन फीचर्स आपको अच्छे लगे तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपको इस मोबाइल के और भी हिडन फीचर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए बना दूंगा। और आपको इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगा या फिर इस मोबाइल से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल पर पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो ताकि आप ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियोस मिस ना कर पाओ।